दोस्तों नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माई रिश्तेदारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। माई सोल फैमिली, माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। आज आपके पार्टनर लेट नाइट, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। जानिए सच्चाई कि आपके पार्टनर आपके लिए लेट नाइट क्या कुछ फील कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखें और पॉजिटिव रहें और पेशेंस रखें, धैर्य रखें। लेट नाइट आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो आज आपसे बात करना चाहते हैं या फिर वो आपको लेकर कुछ और भी महसूस कर रहे हैं। चलिए लेट नाइट उनके थॉट्स। थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, मिसिंग एनर्जी भी है और थर्ड पार्टी इनके घर की फैमिली मेंबर हो सकती है या कोई फीमेल हो सकती है, किसी के लिए मेल भी है। ठीक है, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी देखा जाए डियर, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, रीयूनियन चाह रहे हैं। देखिए कार्ड्स अच्छे अच्छे आए हैं बट अभी क्लियरिटी करती हूँ। और देखिए डियर, यहाँ पे द मून की एनर्जी है, द हर्मिट की है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की है, द हाई प्रिस्टेस की है, द सन की है और डेथ की है, टू ऑफ सोर्ड्स की है, द फूल की है। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे देखा जाए तो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, पहले ही कार्ड में डियर ठीक है निकला है द मून की एनर्जी। ठीक है, देखिए डियर यहाँ पे सारे साइन है। ठीक है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ठीक है, सारे साइन है। देखा जाए तो लेट नाइट की बात की जाए तो शायद आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है, चुप है, खामोश है, लेकिन इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं। ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर करेंट कोई पार्टनर हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं डियर, कोई है आसपास। ठीक है, और ये पर्सन इस वक्त साइलेंस है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और देखिए कन्फ्यूज्ड भी काफ़ी हैं और कभी कभी इनके दिमाग में कभी आपकी बातें आ रही है, कभी थर्ड पार्टी की बातें आ रही है, लेकिन हाँ लेट नाइट आपको ये मिस कर रहे थे, लेकिन ये खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। द हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर काफी गहरी सोच में थे कि बैलेंस करें। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि वो आपकी तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए और प्यार ऑफर करना चाहिए, लेकिन लेट नाइट ये पर्सन आपको लेकर या फिर सपने बुन रहे थे, ख्वाब देख रहे थे या फिर इनका दिल कह रहा था कि वो आपसे बात करे। ठीक है, लेकिन डियर यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पे कोई फीमेल है। ठीक है, तीन लोग तो हैं ही लेकिन यहाँ पे कोई फीमेल भी है जो आपके पार्टनर के लाइफ में है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर व्हाइट मैजिक हुआ या फिर देखिए होता है ना कि अपनी तरफ आकर्षित करना, कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है या फिर अपने बस में करना चाहती है। और तीन लोग भी और हैं डियर जो आपके पार्टनर के लाइफ में, कुछ लोग के लाइफ में फीमेल भी है, कुछ लोग के लाइफ में तीन लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफी हो सकता है उनसे बात भी कर रहे थे और कुछ उनकी बात को सुन भी रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में आप थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ किसी के पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप उनके ट्विन सोल हो। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आप उनके सोलमेट हो। ठीक है,
तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप सोलमेट हो और कुछ व्यूअर्स यहाँ ट्विन सोल हो, तो आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर कहीं ना कहीं पैशनेट तो फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं, और उनको ऐसा भी लग रहा था डियर कि वो आपसे बात करें, ठीक है, आपकी तरफ कॉल मैसेज करें। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि किसी की पार्टनर की मैरिज फिक्स हुई है या मैरिज से रिलेटेड बातचीत हो रही है या फिर मैरिज हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है जो उनके लाइफ में है, और कुछ ऐसे भी जहां आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हुई है वो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, जो आपसे आपके पार्टनर से भी बातचीत करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबके लिए एनर्जी पिक हो जाए, नो, कुछ और भी है। यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ बातें बोलना, मतलब आस पास कुछ ऐसे भी लोग थे लेट नाइट जहां आपके पार्टनर आपको मिस तो कर रहे थे लेकिन कभी कभी उनके बात भी सुन रहे थे, लेकिन स्ट्रांग एनर्जी है वो मिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैरिज से रिलेटेड आपके पार्टनर की बात हो रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या पहले से मैरिड इनकी हो चुकी है, आपके रहते हुए उनकी मैरिज हो गई है, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और आपने मुझे, मतलब उनका कहना है कि आपने उन्हें बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया है, उन्हें आपके तरफ एक्शन लेना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत व्यूअर्स की हो सकता है कि पार्टनर की मैरिज की बात हो रही है, और या फिर मैरिज हो गई है आपके रहते हुए भी, इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली है, या फिर हो सकता है डियर कि आपके पार्टनर के लाइफ में मैरिज फिक्स हो गई है, सेलिब्रेशन भी है, लेकिन ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, ये थर्ड पार्टी के बात में है, थर्ड पार्टी की बात मान रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की बात मानते हुए ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ अच्छा फील करते हैं, आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स होती है, और ये आपके साथ ही मैरिज भी करना चाहते हैं और ये आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, काफी डीपली सोच रहे थे। जस्टिस की एनर्जी, और यहाँ देखिए यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 को नंबर को देखो तो ये बैलेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हर हाल में आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। इवन कि लेट नाइट कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आपसे भी बात कर रहे होंगे डियर, कुछ यहाँ हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर रहे होंगे, और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आपके तरफ एक नई शुरुआत की तरफ थे, ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त आपके तरफ कॉल मैसेज करें, तो बहुत व्यूअर्स हो सकता है ये कोशिश करें और आपके तरफ कॉल मैसेज आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रीयूनियन चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और आपके तरफ बातचीत भी करना चाह रहे हैं, और आपके तरफ अगर आप में नाराजगी है, उदासी है, सेपरेशन है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन आपको ऑफर करने की प्लानिंग कर रहे थे, काफी आपके बारे में डीप थिंकिंग भी कर रहे थे, गहरी सोच में थे, कंफ्यूज्ड भी हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी इनके आसपास रही है। और देखिए डियर यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी आपके खिलाफ है जो आपके पार्टनर को भी कुछ ना कुछ बातें कर रहा है या कर रही है, ठीक है। लेकिन द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी कोई है जो आपके पार्टनर के लाइफ में है, ठीक है, और हो सकता है इनकी मैरिज फिक्स हुई हो या इनसे मैरिज हो गई हो, इन लोग में बात तो हो रही थी बट उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, आप उनसे बातें छुपाते हो, लेकिन आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है और इस सपोर्ट के वजह से ये पर्सन आपसे मैरिज भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, और तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं और कॉल मैसेज करना चाहते हैं। तो देखा जाए डियर आज लेट नाइट की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत अच्छी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुविधाएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, और थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आसपास के इनके माहौल लेट नाइट अच्छे नहीं थे। अगर इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की तो ये कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने की और आपसे रीयूनियन करने की, लेकिन एक कोशिश ये कर रहे थे, लेकिन आपके बारे में आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग भी करते हुए नजर आ रहे थे। तो डियर यहाँ बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आज लेट नाइट आपकी तरफ ये बातचीत भी करना चाह रहे थे, आपके साथ न्याय और एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। कंफ्यूजन है नो डाउट, लेकिन आपसे दूर नहीं है, बैलेंस चाहते हैं क्योंकि आप उनके हो, जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग अपने पार्टनर्स की एनर्जी जो महसूस करते हो, कुछ लोग सोलमेट हैं और कुछ लोग ट्विन सोल हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, द फूल की एनर्जी में है और ये मन भी बना रहे हैं, धीरे धीरे ही सही इन्होंने स्टेप बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो लेट नाइट आपके पार्टनर रियूनियन की प्लानिंग, आगे बढ़ने की प्लानिंग और कॉल मैसेज करने की प्लानिंग, तो बहुत व्यूअर्स हो सकता है
कि आपके तरफ आज लेट नाइट कुछ व्यूअर्स आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, और कुछ के लाइफ में अगर नहीं आई डियर तो यहाँ थर्ड पार्टी आसपास है जहां आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं कॉल मैसेज करना, बात करना, लेकिन आसपास का माहौल सही नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपके तरफ कॉल मैसेज ना किया हो। लेकिन बहुत व्यूअर्स हो सकता है कि आज लेट नाइट आपके तरफ कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। जिन लोगों का कॉल मैसेज आएगा बाबू, नेक्स्ट डे जरूर कमेंट में आके लिख दीजिएगा, ठीक है, और जिनकी नहीं भी आए उनकी भी लिख दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग के पास थर्ड पार्टी है, आसपास के माहौल अच्छे नहीं है, और कुछ के पार्टनर के पास अगर नहीं भी है कोई हाई फिशेस की एनर्जी में, तो हो सकता है ये पर्सन आपको अलग जाकर आपसे ये बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस चाह रहे हैं, वो आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाए डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।